हमारी मेडिकल uh, एजुकेशन के लिए गुड न्यूज़ है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है हमारे मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है और इन जनरल कंट्री के लिए भी जो है ये गुड न्यूज़ है क्या वो न्यूज़ है इज दैट कि अब हमारा जो एन है नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया इसको जो है डब्ल्यू का रिकग्निशन स्टेटस मिल गया है फॉर नेक्स्ट टेन ईयर्स कहने का मतलब जो हमारा एनएमसी है जो इसके थ्रू जितनी भी डिग्रीज निकलती हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं

वो मान्य हो जाएगी कहने का मतलब अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है वो यहाँ से आपकी बैचलर्स करता है तो वो बाहर जाके मेडिकल के अंदर डॉक्टर डॉक्टरी के अंदर बाहर जाके वो सीधा आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले सकता है पहले वाली डिग्री मान्य होगी अदरवाइज बच्चों को पहले वहां जाके फिर से कोर्स करना होता था या वो वहीं जाके कोर्स करते थे इफ समवन हैज टू सेटल आउटसाइड या किसी ने बाहर जाके अब्रॉड जाके सेटल करना है या प्रैक्टिस करनी है तो उनको वहां से ही डिग्री करनी पड़ती थी अब ऐसा नहीं होगा इसके दूसरे एम्पलीकेशन भी है क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सस्ती है तो हम बाहर से स्टूडेंट को यहाँ बुलाएंगे कि क्योंकि यहाँ वाली डिग्री भी अब वैलिड है तो आप स्टूडेंट यहाँ पे आओ वहां पे इतना पैसा क्यों लगाओगे प्लस आप हमारा कल्चर भी इंजॉय करो साथ साथ में, में right? में तो इसके बहुत सारे हैं हैं। हैं बच्चे। आइए थोड़ा सा और इसको <coughs> डिटेल में देखते हैं। तो देखते सबसे पहले कि ही क्या क्या है। है? ये ये अपने आप में क्या चीज़ ऑफ मेडिकल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड ठीक है जैसे इंडिया के अंदर आपका एनएमसी है वैसे वर्ल्ड को जो गवर्न कर रहा है, that is सेम, सेम है उनका दोनों का है ना कि आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए मिनिमम है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा लास्ट में हम एनएमसी को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या इंश्योर करता है दैट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स मीट हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग

इसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं सारे एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस के क्रेडिटेड हो गए हैं साथ साथ में जितने नए कॉलेजेस आएंगे अगले दस ईयर में क्योंकि दस साल का टेन्योर है प्री के लिए इंपॉर्टेंट है दस साल ये याद रखना है कि दस साल के लिए मिला है राइट लाइफ टाइम के लिए नहीं है पचास साल के लिए नहीं है बीस साल के लिए नहीं दस साल के लिए यूपीएससी अगर गेम खेलेगा इसके ऊपर अगर कुछ चेंज करना हुआ पूरे उसके अंदर तो वही टेन ये ईयर को चेंज करके फाइव कर देगा या ट्वेंटी कर देगा या फिफ्टी कर देगा राइट कुछ ऐसा होगा तो ध्यान रखना है बच्चे आपने also enable Indian medical graduates to pursue postgraduate training and practice in other countries. क्योंकि अब वहां पर भी ये degree जो है मान्य होगी जो मैंने आपको starting में बताया था बच्चे right? International recognition increase होगी हमारी academic collaboration increase होंगी क्योंकि अब तो हमारी degree same same ही है तो हम बराबरी का सौदा कर सकते हैं और collaboration better होगी knowledge transfer better होगी better capacity में हम collaborations कर सकते हैं अब right? इसके अलावा बच्चे क्वालिटी एश्योरेंस जो उनका काम है इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो कि आपका जैसे आपका एजुकेशन कमीशन ऑन फॉरेन मेडिकल एजुकेशन या फिर आपका यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन ये सब आपके इंडिया में कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे कॉलेजेस भी एट पार चलेंगे राइट right? इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्शन है बाय द वे इसका जो क्लास इस सारी चीज को हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सो लिंक इज डाउन देर आप जो पार्ट टू ऑफ द क्लास है उसके अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी आई थिंक पार्ट वन या पार्ट टू के अंदर आप जरूर लिंक नीचे मिल जाएगा आप उसको चेकआउट कीजिए National Medical Commission देखते हैं, राइट? तो नीति ने रिकमेंड किया था कि आपका Medical Council of India, MCI, जिसकी पहले भी बहुत आती थी, राइट? उसको रिप्लेस किया गया है आपके एन से नेशनल मेडिकल कमीशन कब हुआ है ये आपका 8 अगस्त 2019 को है ना स्टैचु बॉडी है ये अंडर एनएमसी एक्ट 2019 राइट इसके अलावा रिप्लेस किया था मेडिकल

For your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se zid tak, and if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course. Is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.